हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता पांडे। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ और आप सभी का आज के जूम वेबिनार में मैं स्वागत करती हूँ। और इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पहले मुझे जो है टीचिंग प्रोफेशन से थी मैं, और इस बिजनेस में मुझे 11 साल हो चुके हैं। मेरी वॉइस जा रही है? हेलो हेलो, यस। ओके। सो अभी मुझे इसमें इस बिजनेस में 10 साल हो चुके हैं पूरे, और ये एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और अभी हमारे बीच में एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है जिनका अपना फार्मा लाइन का एक्सपीरियंस है। लगभग 17 वर्षों तक का इनका फार्मा का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद इन्होंने इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को साइन अप किया। कोई स्क्रीन को बिगाड़ रहा है प्लीज? अगर आप ऐसे स्क्रीन को बिगाड़ेंगे तो शायद इस प्रेजेंटेशन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा काम ना करें हम, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ सकता है। हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना हो, मगर जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से किसी की भी लाइफ में चेंज आ सकता है। सो हम अगर इस तरह से अगर मीटिंग में आकर के मीटिंग को खराब करेंगे तो ये एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। प्लीज ऐसा काम ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बिजनेस है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया कम्प्लीटली। मेरे जैसे लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है, और ये एक ग्लोबल बिजनेस है। आने वाले 40 मिनट के लिए अगर हम इस बिजनेस में बने रहते हैं, इस वेबिनार में बने रहते हैं, तो इन 10 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रगल्स है, जिसने लाखों लोगों को कह सकते हैं सक्षम बनाया है, ऐसी लाइफस्टाइल दी है जो लोग सपनों में सोचते हैं, तो ऐसी लाइफस्टाइल आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी ऐसी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। और जो अभी पैंडमिक चल रहा है, इस पैंडमिक सिचुएशन में हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं घर बैठे। सो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस होकर के अटेंड कर रहे हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उस बेहतरीन शख्सियत को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने सफलताओं के आयाम हासिल किए हैं, और उनकी टीम में बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। हजारों लोगों को उन्होंने एक अच्छी इनकम अर्जित करने में सहयोग दिया है। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर आशुतोष पांडे जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू। Just a minute. ममता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं कि समय ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। सो दोस्तों नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे आप सभी का आज के इस वेबिनार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं फार्मा इंडस्ट्री से रहा, 1995 में अपने कैरियर की शुरुआत किया और तकरीबन 17 वर्ष तक नौकरी किया। और नौकरी के करने के 17 वर्षों के साथ ये समझ में आया कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और तरक्की करने नहीं देती। लेकिन अपना दुर्भाग्य हम कहें कि ये समझते समझते मुझे 17 वर्ष लग गए। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो सन 2010 में मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया, और इस प्लेटफॉर्म के पहले कुछ समय तक मैंने एक बड़ी अच्छी कंपनी को किया जिसका नाम एमवे है। उस प्लेटफॉर्म पे मैं सीखा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, सीखने को बहुत कुछ मिला। बट कहते हैं ना कि आपको सब कुछ अच्छा मिले, अगर धन ना मिले तो बेकार है। तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, और 2010 में इस प्लेटफॉर्म पे आया, कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, क्योंकि कहते हैं एक बेहतर यूजर ही बेस्ट प्रमोटर होता है। तो मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मुझे बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स लगे,
और जब कोई चीज अच्छी लगती है आपको तो आप लोगों को जरूर शेयर करते हैं, तो मैंने भी लोगों को शेयर करना शुरू किया। और शेयर करते करते ऐसा एक दिन आया कि मेरी जो आमदनी थी वो मेरी सैलरी से कई गुना ज्यादा हो गई। तो मेरे कोच ने मुझे बताया था कि जब कभी भी आपकी प्रेजेंट आमदनी से 4 गुना 5 गुना आपको कहीं से इनकम ज्यादा मिलने लगे तो आप उस पे 100% शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैंने ये निर्णय 2012 में लिया, ऑल्दो मैंने काम 2010 में नहीं किया था, अप्रैल 2012 से शुरू किया था और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया। दिसंबर 2012 में मैं नौकरी छोड़ करके फुल फ्लैज इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि इस सिस्टम ने मेरे जीवन को 360 डिग्री टर्न कर दिया था। आज एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम है विक्टोरियस, और मैं आशुतोष पांडे विक्टोरियस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि एक बदलाव हर जीवन में आता है और ये सिस्टम आपको एजुकेशन देने में बहुत आगे है। भारतवर्ष में एक अग्रणी सिस्टम है विक्टोरियस सिस्टम, और कहा जाता है आज की डेट में नहीं, आज सालों से हम सब जान रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं छोटा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तो मेरे बहुत बड़े सपने थे। जब मैं 1995 में नौकरी में आया तो मेरी आमदनी बड़ी छोटी सी थी। यू कांट बिलीव कि मैं 1995 में पहला जो सैलरी पाया था वो मात्र और मात्र 1500 रुपए था। और सपने क्या थे? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी बंगला, ये सारी चीजें ड्रीम्स थे सारे। लेकिन वास्तव में 1500 रुपए की छोटी सी आमदनी में ये पूरा नहीं कर सकते। तो बुजुर्गों ने क्या कहा कि जितनी चद्दर हो उतनी पैर फैलाओ, भले ही पैर में गठिया हो जाए पर आप चद्दर बड़ा मत करना। लेकिन आज का जमाना ये कहता है कि आप पुरानी चीजों को बदलिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था बदल रही है, सोचने की शक्ति बदल रही है, समाज बदल रहा है। एक समय था कि हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग किया करते थे, आज का समय है हम बड़े बड़े जुमिनार कर रहे हैं घर बैठे बैठे। जब मैं नौकरी में था तो मन में विचार आता था काश मुझे भी 2-4 दिन घर बैठने को मिलता। आज वही हो रहा है, आज लगता है काश मुझे भी थोड़ा बाहर निकलने को मिलता, क्योंकि आज भरपूर हम लोग घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन पीरियड में। तो आमदनी छोटी सी, सपने बड़े। तो कहा गया या तो आप अपने सपनों को छोटा कर लिए, पुराने जमाने के हिसाब से सपने को छोटा कर लिए जितनी आपकी आमदनी है, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी आमदनी को इतना बड़ा कर लेते हैं कि सपने उनके उनके सामने छोटे लगते हैं। भारतवर्ष में 90% ऐसे लोग हैं जो जितनी चद्दर हो उतनी पैर फैलाओ पे विश्वास करते हैं। लेकिन यस दोस्तों, आज 10% ऐसे लोग भी हैं जो अपनी आमदनी को इतना बड़ा कर लेना चाहते हैं कि उनके सपने छोटे हो जाएं। मुझे पूरा विश्वास है यहां जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो उस 10% में आने वाले लोग हैं, तभी आज हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। सो आइए आगे सेशन को शुरुआत करते हैं। एक समय था कि इन्फ्लेमेशन के बारे में, महंगाई के बारे में अगर लोगों से बातचीत किया जाता है तो लोग कहते हैं कि 1940 में 10 रुपए में घर के खर्चे चलते थे, हर 20 साल में 10 गुना ये बढ़ा और 2020 में 1,00,000 रुपए आवश्यकता थी। 2025 में ये आंकड़ा लगाया गया कि 2,50,000 रुपए, और अगर इसी तरह से बढ़ा तो 2040 में 1,00,000 रुपए आमदनी चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? क्या नौकरी से संभव है? शायद नहीं। आज आपको और हमको करना क्या पड़ेगा? अपनी आमदनी को बढ़ाना होगा। क्या आज आप इस लॉकडाउन पीरियड में इसके लिए तैयार हैं, जहां ढेर सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ढेर सारे लोगों का व्यापार खत्म हो रहा है, ढेर सारे लोग कहीं न कहीं पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम की तलाश में है? तो क्या आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पास आज की डेट में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं 2-3 जिसको हम आज देख सकते हैं। वो क्या है? पहला है जॉब। तो आज की डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि जॉब बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आज लोग 40% 50% सैलरी पे नौकरी करने को तैयार हैं। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान आपसे कम सैलरी पे काम करने को तैयार है। दूसरा है फैमिली बिजनेस। तो एज आई फील कि आज फैमिली बिजनेस भी इस लॉकडाउन पीरियड में खराब हो रहा है। और तीसरा है ओन बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस। ये 3 तरीके से आज आप पैसा बना सकते हैं।
आज अगर देखें तो लॉकडाउन पीरियड में ऐसा आंकड़ा बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से 67% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं भारतवर्ष में। आप अखबार देख रहे होंगे, बहुत जगह इसके विवरण आपको मिल रहे होंगे। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में सारे लोगों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। फर्स्ट एम्प्लाई, जिसमें मैं था, नौकरी करता था। सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर ये लोग आते हैं। थर्ड बिजनेस ओनर और फोर्थ इन्वेस्टर। तो अगर हम एक एक को बात करें तो ई इज इक्वल टू एम्प्लॉई, इसके पास समय तो होता है लेकिन आमदनी कम होती है। ये हमेशा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा तलवार की नोक पे अपनी जिंदगी को पाया, क्योंकि जब कभी भी बात आती थी कि भाई आपका टारगेट पूरा हो रहा है, तो यदि टारगेट पूरा हो रहा है तो आप कंपनी के दामाद हैं, सिस्टम के दामाद हैं, लेकिन यदि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आपकी नौकरी, हमारी नौकरी खतरे में है। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास पैसे तो हैं लेकिन टाइम नहीं है। रात को 12 बजे डॉक्टर को कॉल आता है, वो हॉस्पिटल में जाकर के, क्लिनिक में जाकर के ऑपरेशन करना देखता है। बिजनेस ओनर के पास बहुत कुछ है, इन्वेस्टर के पास बहुत कुछ है, लेकिन ये जो एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कॉलम है, पूरी दुनिया में 90% लोग इसी कॉलम में काम कर रहे हैं और दुनिया का 10% पैसा इनके पास है। और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का क्वाड्रेंट है, इसमें दुनिया के 90% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं ये 10% लोग। अब जब हम जैसे सामान्य लोगों को बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने की बात कही जाती है तो हमारे भेजे में एक बात समझ में आती है, वी डोंट हैव मनी। यदि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम बिजनेस ओनर कैसे बनेंगे? बात भी सही है, इसीलिए बुजुर्गों ने हम लोगों को संतोष दिया कि जितनी चद्दर हो उतनी पैर फैलाओ और हम इसी सेगमेंट में काम करके 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 अपनी जिंदगी को गुजार लेते हैं। तो आज आपको दोस्तों इस 5% सिस्टम में आने का तरीका बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक अपने विचार को हम थोड़ा सा बदलें, देखें। चूंकि हम सब ऑलमोस्ट मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, मैं जैसे अपनी बात करूं तो मैं भी एम्प्लॉई था। तो एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग वर्क क्या करते हैं? एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि दुनिया की 90-95% पॉपुलेशन क्या करती है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, एक व्यक्ति है, फोन वो बेचता है और उसे 1,000 रुपए की इनकम होती है, और यदि वही काम वो 30 दिन तक करता है, यानी 1 महीने करता है, तो 1,000 रुपए के हिसाब से उसके पास 30,000 रुपए पर मंथ की इनकम आती है, जिसमें लोग भारतवर्ष के, हमारे जैसे लोग कहते हैं ना, सफिशियंट हो 30,000 रुपया कमा करके, और वो अपनी लाइफ को उसी में काटते हैं, गुजारते हैं, और उन्हें लगता है यही मेरी जिंदगी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति है जो बी कैटेगरी का इंसान है, यहां बहुत पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं वेल एंड गुड, कम पढ़े लिखे हैं तब भी चलेगा। उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक 30 लोगों की टीम बनाई, हर व्यक्ति ने पर डे 1 सेलफोन बेचा, यानी 30% ने पर डे 30 सेलफोन बेचा एक एक फोन करके। यदि उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 200 रुपए पर सेलफोन फायदा हो रहा है, तो उसे 6,000 रुपए पर डे की इनकम आ रही है। अब 30 लोगों ने 30 सेलफोन पर डे बेचा, यानी 900 सेलफोन बेचे, तो पर मंथ उसकी आमदनी कितनी हो गई, 6,000 × 9 तो 200 × 9 तो हो गया 1,80,000 रुपए। ये बी कैटेगरी के इंसान ना, इनके पास पैसे हो ना हो, इनके पास ऐसा परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है कि वो अपना टीम बना करके काम कर लेते हैं। एक व्यक्ति वही काम करके 30,000 रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और 1,80,000 रुपए पर मंथ काम कर रहा है। तो अब हम किस टाइप के बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है कि जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, ये रिसेशन फ्री बिजनेस है। आज की डेट में देखें तो 3 प्रकार की इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। एजुकेशन, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब पे ढेर सारे लोग ज्ञान बांट रहे हैं। एक समय था कि मैं यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ लोग जुड़े हैं जो शायद यूट्यूब के बारे में मेरे जैसे ना जानते रहे हो, लेकिन आज हम सब यूट्यूब से एजुकेशन ले रहे हैं। दूसरा है सिकनेस इंडस्ट्री, मैं जिस इंडस्ट्री में इसके पहले था, दैट वॉज सिकनेस इंडस्ट्री, वहां डॉक्टर,
मेडिकल स्टोर, एक्सरे, पैथोलॉजिस्ट, ये सारे हॉस्पिटल, ये सब क्या है, सिकनेस इंडस्ट्री के पार्ट थे। और एक समय था कि इसकी शुरुआत थी, आज बड़ी तेजी से बूम कर रहा है। और तीसरा है वेलनेस इंडस्ट्रीज। वेलनेस इंडस्ट्री दोस्तों आज अपने जवानी की अवस्था में है और इस कैटेगरी में आकर के आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आज ये जो विक्टोरियस क्लब है, ये एक हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, एजुकेशन ग्रुप है, जहां हम लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा ने सबके अंदर ज्ञान दे रखा है, जो ऊपर का अंधकार रूपी ज्ञान है उसको मात्र हटाना है। हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छिपा हुआ है, बस उसे प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता है। आशुतोष पांडे यही था, सन 1995 में 1500 रुपए महीने की तनख्वाह पे काम करने वाला इंसान 17 वर्ष की नौकरी करने के बाद 42,000 रुपए महीना कमा पाया। आदमी वही था, प्लेटफॉर्म बदला। मुझे याद है वो दिन, जो पहला दिन, पहले महीने इस प्लेटफॉर्म से मुझे इनकम आई 300 रुपए पर मंथ की आई इनकम। पार्ट टाइम में इस सिस्टम से नवंबर 2012 में, यानी 8 महीने बाद, लाख रुपए प्लस की इनकम प्राप्त किया। आदमी तो वही था, बट क्या हुआ, प्लेटफॉर्म बदल गया। तो ये जो विक्टोरियस क्लब ग्रुप है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक ऐसा स्पेशल ग्रुप है जो आपको, यदि आप इसके साथ आते हैं तो हम 6 महीने में, जैसे मैंने कमाना सीखा वैसे ही मैं आपको बता सकता हूं कि 6 महीने में लाख रुपए प्लस की इनकम कैसे कमाई जा सकती है। यदि हमारे साथ आप 5 वर्ष तक समय देते हैं, तो जैसे आज की डेट में मैं करोड़पति आपके सामने बैठा हूं, ऐसे ही आपको भी करोड़ रुपए कमाने का अवसर प्रदान कर सकता हूं। ये क्या है, आज की डेट में एंटरप्रेन्योर का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है जहां यदि आप पैसा कमाना चाहें तो कमा सकते हैं, बट यहां कैपिटल की जरूरत है। स्टॉक ट्रेडिंग अगेन नीडेड इन्वेस्टमेंट। आप जितनी भी इंडस्ट्री में जाएंगे सब में कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दोस्तों एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां आपको बहुत थोड़े से इन्वेस्टमेंट, मैं कहूं इन्वेस्टमेंट निल है, से आप शुरुआत करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यहां जीरो इन्वेस्टमेंट है, ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक बढ़िया इंटरनेशनल लेवल पे आपको काम करने का अवसर मिलता है। अभी आज मेरी एक शख्स से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम में कैसे आऊं। मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे आ जाएं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे आपको काम करें। बोले इंटरनेशनल लेवल पे बहुत पैसे लगते हैं। मैंने कैसे, बोले इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको लाइसेंस लेना है मात्र तो 14-15 लाख रुपए लगते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, केवल लाइसेंस लेने के लिए, बाकी इन्वेस्टमेंट अलग से। बट ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री है, यहां आपको क्या देखना है, एक लोग देखते हैं ये लीगल है या इलीगल है। तो इलीगल क्या होता है, लोग कहते हैं चेन सिस्टम है। सॉरी, यहां कोई चेन सिस्टम नहीं है, रिफंड एंड अर्न इनकम है। दो के नीचे दो बनाने वाली बात है, नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां बिजनेस रिकमेंडेशन का बिजनेस है, जो हम पैदाइशी है, कहते हैं दुनिया में दो इंसान ज्यादा पैसा कमाते हैं, एक कलाकार दूसरा सलाहकार। तो हम में से सारे लोग पैदाइशी, हम सलाहकार हैं और यहां सलाह देने से इनकम आती है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं, यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां आप जो टर्नओवर करते हैं उस पर इंसेंटिव मिलता है। लोग कहते हैं क्या ऐसा कौन सा बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेस के बारे में बिल गेट्स ने बताया है, मिस्टर बिल क्लिंटन ने बताया है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है, संदीप माहेश्वरी जी डे बाई डे बता रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हर अपनी सीडी डीवीडी में बता रहे हैं कि ये एक बिजनेस ऐसा है जो आने वाले भविष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जिसको आज यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी 16 इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, यूनिवर्सिटी हैं ऐसी इंडिया में जो इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई पढ़ा रही हैं, जिसको हम और आज आप यहां पे सुन और देख रहे हैं, इसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। वो क्या है, कामयाबी पाना है दोस्तों तो आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। अंबानी, टाटा, अदानी, डिश टीवी, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला, इन लोगों ने क्या किया, नेटवर्क बनाया, और जिसने नेटवर्क बनाया वही आज पैसा कमा रहा है। यदि आप दो हाथों से कमा रहे हैं पैसा तो यस, कहते हैं नौकरी भूखा मरने नहीं देगी और तरक्की करने नहीं देगी, हैंड टू माउथ रहेंगे,
लेकिन दोस्तों जब आपके पास हजार हैंड्स हो जाएंगे तो यस, आप अपनी लाइफ तो परमात्मा ने और माता पिता ने दे दिया, उस लाइफ को स्टाइल में बदलने का काम आप हजारों हाथों से ही कर सकते हैं। आपको एक बेहतर कंपनी का चुनाव करने के लिए क्या करना होगा? अच्छे लोग चाहिए, अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, और पे आउट जो होना चाहिए वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर हम बात करें लोगों की, तो कल्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रेनिंग सपोर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट यूनिक होने चाहिए, अद्वितीय होने चाहिए, और पे आउट बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक ऐसी कंपनी जो पिछले 43 वर्षों से दुनिया के 160 से अधिक देशों में काम कर रही है, जिसका कोई शेयर होल्डर नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और आज की डेट में तकरीबन 24,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह बिजनेस सन 2000 में आया, और आज की डेट में अगर हम देखें तो भारतवर्ष में मुंबई 74 हिल रोड बांद्रा में हमारा ऑफिस है, 19 जगह हमारे पास हमारे खुद के ऑफिसेज हैं। हम किसी को फ्रेंचाइजी के अलावा कुछ डिस्ट्रीब्यूशनशिप नहीं देते हैं, सारा काम हम स्वयं करते हैं। और आज हमारे पास 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं 3,144 जो इस बिजनेस से मिलेनियर हैं, 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कार प्लान अचीव कर चुके हैं। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? हम एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बने उत्पाद उत्पादन और वितरण में नंबर वन है कंपनी। हम वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी पौधे से लेके उत्पाद, उत्पाद से लेके आप तक पहुंचाने का संपूर्ण कार्य स्वयं करते हैं, ना किसी के ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर कंपनी है। 7,500 एकड़ जमीन है हमारे पास, जहां पे हम एलोवेरा की खेती करते हैं, मधुमक्खियों का पालन खुद करते हैं स्पेन में, खुद R&D डिपार्टमेंट हमारा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और अपनी ही सिप से दुनिया के 160 से अधिक देशों में इन प्रोडक्ट को सप्लाई करवाते हैं। अगर हम देखें तो हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, सेफ हैं, नेचुरल हैं, और ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। अगर हम बात करें तो हम क्या आपको देते हैं? पीस ऑफ माइंड देते हैं, जो कहीं मिलता नहीं है खरीदने पे भी, एक्साइटमेंट देते हैं, क्वालिटी टाइम मिलता है, ब्राइट फ्यूचर मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। आप इसको पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं, फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। हम पूरा ट्रेनिंग सपोर्ट आपको देंगे। इसके अलावा रिकॉग्निशन, मैं 17 वर्षों तक काम किया, मुझे सेल्फ रिकॉग्निशन कहीं मिला, लेकिन विद फैमिली रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिला। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपके लोग, आपके परिवार के लोग इसमें अपने आप को बहुत ही बढ़िया महसूस कर सकते हैं, सुकून वाला महसूस कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट क्या है? लोग सोचते हैं आखिर ये बिजनेस कैसे चलता है, पैसा कैसे आता है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर ये मैं टाई मार्केट से खरीदा हूं, तो इस टाई की अगर मान लिया 1,000 रुपए कीमत है, तो 1,000 रुपए का सामान हमें MRP है तो 1,000 रुपए में ही मिलता है। यानी अगर ये 1,000 रुपए का बना है तो शायद 1,000 रुपए MRP है तो 1,000 रुपए में नहीं बना, ऑलमोस्ट ये 30-40 रुपए में या 300-400 रुपए में बना है, लेकिन हम तक आते आते ये 1,000 रुपया हो जाता है। कैसे? ये टाई जो हमको मिली रिटेलर से मिली, रिटेलर ने होलसेलर से, होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स होते हुए ये सामान 30% 40% से 100% पहुंच जाता है। यानी ऐसी दशा में ये सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इस पे MRP पे जुड़ जाती है। तो आप अगर देखें कि इन बीच वाले लोगों को अगर हम हटा दें तो क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप और हम कंज्यूमर हैं तो हमें क्वालिटी चाहिए, कंपनी को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में अच्छा लगता है, कोई भी कंपनी डुप्लीकेट माल बजाना पसंद नहीं करती, तो हमें भी क्वालिटी चाहिए, कंपनी को भी क्वालिटी चाहिए, बट आज की डेट में डुप्लीकेसी हो रही है, पता है आपको कहां से मिलता है ये डुप्लीकेसी? कौन? बीच वाले करते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी है, आप हैं, कंज्यूमर है, बाकी बीच के लोगों को हटा दिया। तो जो 70% डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों में हो रहा था वो बच गया और वो आपको देने को कंपनी ने निर्णय ले लिया। अभी तक कुछ लोग पैसे कमा रहे थे, आज इस लॉकडाउन पीरियड में जहां सबको कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, ये प्लेटफॉर्म आपको एक्स्ट्रा इनकम दिलाने में बहुत मदद करता है। फॉरएवर बिजनेस क्या है? यहां कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है,
कोई सेमिनार फीस नहीं है, ट्रेनिंग फ्री है, अनलिमिटेड इनकम आप ले सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस है, दुनिया के 160 से अधिक देशों में आप इस व्यापार को भारत में बैठे बैठे फैला सकते हैं। सॉरी, मैं जब यहां आया तो मैं उस समय केवल भारत में था, भारत के अलावा किसी कंट्री में मैं पहुंचा नहीं था, लेकिन दोस्तों आज मेरा बिजनेस 16 कंट्रियों में हो रहा है। यानी आपको कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया में बैठे आप अमेरिका की इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। अब रोड मैप क्या है, आप आए हमारे वहां ज्वाइन करने के लिए कहे पैसे नहीं लगते हैं। आपने आपको मैं या जो आपको इस जो इस सिस्टम में भेजा हुआ है वो व्यक्ति आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फीड करना है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब आप बतावें आपकी जितनी भी उम्र हो, मुझे नहीं मालूम क्या आप मंजन करके कभी पैसा कमाए, नहीं। लेकिन यहां इस सिस्टम में आकर के जो मंजन आपका बाथरूम में किचन रखा हुआ है उस मंजन को हटा करके एक नया मंजन रखना है, इतना करने में शायद मुझे नहीं लगता है 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लगेगा, और इतना मात्र करने से आपके जेब में पैसे आने वाले। आप यहां आएंगे एक प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में, आप आते हैं आपको लगभग 15% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलते हैं। आप प्रोडक्ट को पहले यूज करिए, संतुष्ट होइए, क्योंकि आपका संतुष्ट होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आज भले ही भाषण आपके सामने दे रहा हूं, लेकिन कभी मैं भी आपके द्वारा ही आया गया था, आपके जैसा ही लाया गया था, और मुझे भी पहले यूज करने की इच्छा हुई। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के बाद मेरे मन में आया कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो क्यों ना 2-4 लोगों से बताया जाए, क्योंकि गुरु नानक साहब ने एक बात, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी कि अच्छी चीज को फैलाओ, बुरी चीज को दबाओ। तो अगर ये अच्छी चीज है तो क्यों ना अपने समाज में फैलाया जाए। और मैं फैलाते समाज में फैलाते फैलाते 25-30 हजार रुपए का बिजनेस कर गया, पता ही नहीं चला, और मैं इस सिस्टम में क्या हो गया, बिजनेस पार्टनर बन गया। यानी किसी लगातार के 2 महीने में अगर आप अपने सिस्टम पे, अपने आईडी पे 25-30 हजार रुपए का बिजनेस कर लेते हैं तो आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और हमारे वहां बोलते हैं उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये प्लेटफॉर्म है, शुरुआत आपकी नोवस कस्टमर से होती है, 2 CC यानी 30 हजार रुपए का बिजनेस कर लिया आपने तो आप हो गए इसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब लोग सोचते हैं कि भाई मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनूं, व्हाई नॉट नोवस कस्टमर, मैं नोवस कस्टमर क्यों ना बना रहा हूं। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, 3 बेनिफिट मिलते हैं। पहला बेनिफिट मिलता है आपको प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे मिलता है। बेनिफिट नंबर सेकंड कि आपको अपनी खरीद पे ही कंपनी कैशबैक देती है 5% का। तीसरा बेनिफिट कि आप अपने जैसे लोगों को बना सकते हैं। मैं फार्मा इंडस्ट्री में रीजनल मैनेजर के पोस्ट पे था, बट मैं अपने सगे भाई को रीजनल मैनेजर नहीं बना सकता था, लेकिन यहां पे आप अपने जैसे अपने लोगों को बना सकते हैं, तो अच्छी बात है। आप लखपति हैं तो ढेर सारे लोगों को लखपति बना दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो आप यहां पे जीवन में एक बार 2 CC का बिजनेस कर लिए तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गए फॉर एवर के लिए। अब कहते हैं कि जिसके पास टीम है वही पैसा कमाता है, तो आपने करना क्या है, 10-15 लोगों को, अपने जैसे लोगों को ढूंढ लीजिए, उनसे भी 2-2 CC का बिजनेस करने को बोलिए। जो आपने किया वही उनको करने में हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने 2-2 CC किया तो आपके बिजनेस में जुड़ गया, 25-30 CC हो गया, आप सुपरवाइजर हो गए। यहां पे आपको अपनी खरीदारी पे 30% डिस्काउंट मिलेगा, 8% कैशबैक मिलेगा, और आप अपने टीम से भी बिजनेस पाते हैं 3% का वैल्यूम बोनस। इसी तरह से आपकी टीम जब काम करती है, आप और आपकी टीम मिलकर के काम करते हैं, 75 CC का बिजनेस किसी लगातार के 2 महीने में करते हैं तो आप असिस्टेंट सुप मैनेजर हो जाते हैं। और जब आप अपनी टीम के द्वारा 120 CC लगातार के 2 महीने में, यहां एक ऑप्शन और कंपनी ने दिया बहुत बढ़िया कि लगातार के 4 महीने में अगर आप 150 CC का बिजनेस कर लेते हैं तो आप मैनेजर बन जाते हैं। और दोस्तों जब आप मैनेजर बनते हैं तो मुझे याद है मैंने आपको पीछे भी बताया कि जिस महीने में मैनेजर बना उस महीने से मेरी इनकम 1,00,000 रुपए प्लस की आने लगी। जिस महीने में मैनेजर बना नवंबर 1,81,81 रुपए आया। तो आज आप देखें ये 5 स्टेप का प्लान बड़ा ही शानदार प्लान है, बड़ा ही सिस्टमेटिक प्लान है, और आज की डेट में अगर आप इसमें काम करते हैं तो 80,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक बड़े आराम से आप पार्ट टाइम में निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला। यदि आप फुल टाइम करते हैं तो दोस्तों नो लिमिट, आप 3,00,000-4,00,000 रुपए भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे सिस्टम में हैं जो आज पार्ट टाइम करके 4,00,000-5,00,000 रुपए भी इनकम अर्न कर रहे हैं।
और दोस्तों मुझे वो दिन याद है कि जब मैं बाइक पे बैठ करके हेलमेट लगा करके पीछे कंधे पे बैग टांग करके पसीने से तर बतर घूमता था, काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती, सेकेंड हैंड ही होती, लेकिन होती। मैंने इऑन खरीदने की सोची थी दोस्तों फार्मा में, लेकिन इऑन भी नहीं खरीद पाया, थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से 2012 में मैंने इस काम को शुरू किया और 2013 में फोर्ड फिगो टॉप मॉडल खरीदा। और 2020 जो लॉकडाउन का पीरियड था, जीवन में पहली बार लॉकडाउन में हम लोग लॉकडाउन नाम के शब्द से परिचित हुए, उस लॉकडाउन पीरियड में 20 जून 2020 को किया सेल्टॉस टॉप मॉडल इस प्लेटफॉर्म की वजह से खरीदने का अवसर मिला। मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान आज दो दो गाड़ियों को एंजॉय करने का अवसर मिल रहा है, कहीं एक भी नहीं थी और आज कहां दो दो गाड़ियों को एंजॉय कर रहा हूं, ये अवसर इस प्लेटफॉर्म से मिलता है। सो एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कार प्लान इंसेंटिव। अगर आप अपनी टीम से 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी का बिजनेस लगातार के 3 महीने में करते हैं तो जो आपको इंसेंटिव आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, कंपनी अलग से आपको 26,000 रुपए 36 महीने तक देती है। इसी तरह से कार प्लान 2 है, कार प्लान 3 100, 200, 300 करते हैं तो आपको 52,000 रुपए 36 महीने तक लगातार मिलते हैं। ये एक अलग इनकम है जिसको कार प्लान के नाम से बोला जाता है। मुझे याद है मैं 17 साल तक नौकरी किया, कई जगह मुझे टूर मिला बट अकेले मिला, वाइफ के साथ जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन थैंक्स टू दिस प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से मैनेजर रिट्रीट एक इंसेंटिव मिलता है। अप्रैल से लेके मार्च के महीने में एक टारगेट पूरा करना होता है, उसको करने के बाद आप हस्बैंड वाइफ 5-स्टार होटल में 3 नाइट 4 डेज का एंजॉयमेंट करते हैं और जो सपने हम लोगों ने बचपन में देखे होते हैं ना वो सपने पूरा करने का अवसर मिलता है, वो लाइफ जो बचपन की जिंदगी होती है वो जिंदगी जीने का अवसर मिलता है, मस्ती भरा जिंदगी जीने का मिलता है इस मैनेजर रिट्रीट में, ये मस्ती मिलती है। हम लोग जब मैनेजर रिट्रीट में जाते हैं तो वहां बहुत से कार्यक्रम होते हैं, जिसमें एक गाला नाइट पार्टी का कार्यक्रम हुआ था जिसमें आप देख रहे हैं हम और अपनी इकलौती धर्म पत्नी के साथ चेन्नई में घूम रहे हैं, लुंगी कॉम्पिटिशन हुआ और सौभाग्य से मुझे उसमें लुंगी पहनने में 2nd प्राइज भी मिला, तो वो बचपन याद आ गया जब हम कभी लुंगी पहना करते थे। और अगेन एक टूर मिलता है फॉरेन का जिसको कहते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट, हम लोग ग्रीस गए और ग्रीस में घूमने का अवसर मिला, ये आप देख रहे हैं हमारे सीनियर डॉक्टर अनुज सरोज सर, मिस्टर राजा मुन्ना जी और इस कंपनी के ओनर के पुत्र मिस्टर ग्रेग मॉन जी और ढेर सारी गोरी गोरी बालाएं हैं हम लोगों के साथ, क्योंकि हमारी धर्म पत्नी उस पूरे कार्यक्रम में अकेले थी जो एक बेहतर साड़ी में थी, तो वहां के लिए सेलिब्रिटी थी और इनके साथ ढेर सारे लोगों ने पिक लिए। और ये हम लोगों का दुबई का टूर है, इस सिस्टम के माध्यम से हस्बैंड वाइफ को दुबई का टूर मिला, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल जिसको बोलते हैं JW मैरियट उसमें रुकने का अवसर मिला और बेहतरीन पार्टी एंजॉय करने का मिला मौसम। इस तरह से चेयरमैन बोनस मिलता है, आप देखें हमारे सीनियर हैं मिस्टर वीएस सगु सर, जो 12 महीने की इनकम होती है वो तो मिलती ही मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक दिवाली बोनस मिलता है, जैसे हम लोग जब फार्मा में थे तो हम लोग को बोनस मिलता था, तो बोनस क्या मिलता था, 1 महीने की सैलरी शायद मिल जाए बहुत है, बेसिक सैलरी नो एक्सपेंसेस। यहां पे क्या देख रहे हैं 7,90,000, 7,93,000, 12,97,000, बापरे 67,36,009.30 रुपए, ये 30 पैसे बना तो 30 पैसे भी सर के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ये हम लोगों के सीनियर है मिस्टर सुनील गुप्ता सर, आप इनका देखें तो सिंगल चेक है जो 12 महीने की इनकम उसके अलावा है 1,60,64,981.81 रुपए। डॉक्टर अनुज सरोड सर का चेक है, ये हम ममता एंड आशुतोष पांडे हम लोगों को भी ये बोनस मिला। इस तरह से आप देखें तो ये सज्जन है, बहुत से लोगों के मन में एक विचार आता है गुरु नेटवर्क में ना जब हम पहले आएंगे तभी पैसा ज्यादा कमा सकते हैं, सॉरी ऐसा नहीं है, सारे नेटवर्क एक जैसे नहीं होते हैं। इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मिस्टर सुनील गुप्ता के बारे में मैंने बात किया, 1,60,00,000 रुपए का चेक 2000 में इस सिस्टम को लेकर के इंडिया में आए। मिस्टर सूर्या सिन्हा 2012 में आए सिस्टम में, 12 साल बाद आए और उनका चेक है 9,42,000 रुपए 83 लाख, 2,64,00,000 रुपए, 2,15,92,000 रुपए, 3,84,15,679.41 रुपए। 12 साल बाद आए और उनसे ज्यादा इनकम ले लिए, इट मींस
सिस्टम में ताकत है। अगर आप यहां पैसा कमाने को चाहत रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो आज आप इनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यह मैं आपसे वादा करता हूं। और यह एक ऐसी इनकम है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अब आप देखें, मिस्टर रॉल्फ किफ 10,84,33,388 रुपए का सिंगल पे आउट, और आप देखें हर साल का इनका बोनस लिखा हुआ है, यानी आप यहां एक अच्छी इनकम एंजॉय कर सकते हैं। और विक्टोरियस क्लब आपको समय अनुसार जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये मिस्टर मनोज कुशवाहा जी हैं जिनको असिस्टेंट मैनेजर बनने पे ट्रॉफी दी जा रही है, और 20,000 लोगों के बीच में इन्हें असिस्टेंट मैनेजर का खिताब कंट्री मैनेजर दे रहे हैं। आप देखें ऐसा सम्मान यहां मिलता है, इस तरह से ढेर सारे लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे सीनियर मिस्टर वी एस सग्गू सर, डॉक्टर अनुज सरोड सर, ये सारे लोग मिल करके लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग मिल करके अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स में सम्मानित कर रहे हैं, यानी एक ऐसा व्यापार है, ऐसा सिस्टम है जहां आपको एंजॉयमेंट मिलता है, जहां आपको वास्तव में अपनी जीवन को जीने का आनंद मिलता है। ये ढेर सारे लोग हमारी टीम के हैं जो अपने अपने पिक्स को, अपने अपने चेहरे को खूबसूरत दिखा रहे हैं। अब हमको करना क्या होगा, हमने सब कुछ जान लिया, हमने अभी क्या जाना, कंपनी कौन सी है, कंपनी कहां की है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है। अब लास्ट में एक बात समझ में आती है, गुरु करना क्या होगा? तो कुछ करना नहीं है खास, वही करना जो आप करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ जो मंजन नहीं करता, जो शैंपू नहीं करते, जो साबुन नहीं लगाते? हर काम हम करते आ रहे हैं, बट अभी तक अगर आप देखें पूरे जीवन में, अगर कोई 40-45 साल की व्यक्ति का उदाहरण लूं, तो 40-45 हजार रुपए वो मंजन में खर्च कर चुके, मिला क्या? नथिंग। अगर वही आप यहां से यूज करते हैं तो पहला काम करना, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है। अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, अरे भाई अपने 10-15 लोगों को बता ही देते हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला, प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों को शेयर कर दिया, यही तो काम है। उसके बाद क्या करना है, एक छोटी सी टीम बना लेनी है, और उनको जैसे मैं आपको ट्रेनिंग बात आपसे बातचीत कर रहा हूं, ऐसे अपने लोगों से बातचीत करवानी है, इस सिस्टम में लाके बताना है कि भाई ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें जुड़िए और लॉकडाउन पीरियड में अपने घर से बैठ करके पैसा बनाइए। यानी 4 बेसिक्स हैं, 4 हैं, जैसे कार 4 पहिए पे चलती है, ऐसे ही ये बिजनेस भी 4 काम पे चलता है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, टीम बिल्ड करिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए। सिंपल सा काम है, नथिंग एल्स। इसके बाद क्या करना है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका सीक्रेट फार्मूला है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग। यानी आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और उनको ट्रेन करिए, सिंपल सा यही काम है। कहते हैं ना, सोचने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो, जब आप सोचते हो तब तक कोई शुरू कर देता है। यानी एक्शन लेने में देर मत करिए। जीवन में हम असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब हम दूसरों को भी सफल होने में मदद करते हैं। तो आपके सपने हैं, हमारी प्रेरणा है, हम आपके साथ हैं। और वर्जिन एयरलाइन के मालिक कहते हैं कि जब भी कोई अवसर आपके सामने आवे तो आप फार्मा में आया था तो मुझे ट्रेनिंग लिया, सीखा और जाकर के डॉक्टरों को बताती बढ़िया आवे तो उसको हाँ करिए, इसको सीखिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं, और इसके बाद आप उसमें महारथी हो जाते हैं। बिल गेट्स भी जब कंप्यूटर के सिस्टम में आए थे तो उन्हें नहीं मालूम था कि मुझे कैसे करना है, लेकिन आए, सीखे और आज वो दुनिया के धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, आप निर्णय लेने में देरी ना करें, और इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। मैं और दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम आपने देखा, ये दूरदर्शन केंद्र दिल्ली, पंजाब और गोरखपुर से रिले हो रहा था और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जिस व्यक्ति ने आपको आज का लिंक भेजा है, उस व्यक्ति से आप पर्सनली फोन पे या जूम पे अटैच होके और बेहतरीन इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो 1 घंटे का हम लोग का ये कार्यक्रम होता है, इसमें आप जरूर जुड़े, अपने तो आए ही आए, अपने लोगों को भी ले आवे, क्योंकि जब आप आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आपके साथ के लोग आते हैं तो और अच्छा लगता है, क्योंकि आप सफल हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आपके द्वारा लाए गए लोग भी सफल होते हैं तो आनंद ही आनंद आता है।
सो ऐसे आनंद के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने अपना बेस कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।